गाइस कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, न्यू वीडियो है मेरी ये। तो गाइस सबसे पहले सबको मेरा गुड मॉर्निंग और मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। तो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि डेली यूज़ का जो मेकअप रहता है, बहुत ही सिंपल किट है मेरी जो मेकअप की है, मैं आगे बताऊँगी। तो गाइस मैं थ्रेडिंग भी कैसे बनाती हूँ और अपर लिप्स कैसे बनाती हूँ, और जो फाउंडेशन लगाते हैं गाइस हम, वो काला भी नहीं पड़ेगा जैसा मैं आपको तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है गाइस, तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को फुल वॉच कीजिए गाइस। और जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले, आपकी अनुराधा, बहुत सारा प्यार दीजिए। तो गाइस अब मैं बताने वाली हूँ आपको सबसे पहले ये थ्रेडिंग हुआ और फाउंडेशन कैसे लगाते हैं गाइस। आपके पास कोई भी फाउंडेशन हो गाइस, ये बीबी का इनसाइड का फाउंडेशन है। आपके पास लैक्मी का फाउंडेशन हो या फिर कोई भी दूसरा फाउंडेशन ले सकते हैं आप, तो उसको सही तरीका क्या है लगाने का मैं आपके साथ बताऊंगी अभी। तो गाइस उसको जो है वो काला भी नहीं पड़ेगा। तो गाइस अभी देख सकते हैं कैसा हुआ है मेरा चेहरा और सब मेकअप करने के बाद जो है कैसा लगेगा। आप शादियों में जाओगे तो भी आप ऐसा मेकअप कर सकते हो, या फिर आपकी नई नई शादी हुई है गाइस तो घर में कैसा मेकअप करें ऐसा सोचते रहते हैं गाइस। किसी किसी को क्या है फाउंडेशन लगाने के लिए नहीं आता है जो सही तरीका है। तो गाइस मैं आज आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहें। तो गाइस सबसे पहले हम बना लेते हैं अपनी थ्रेडिंग। तो मैं अपनी थ्रेडिंग जो है वो इस ट्रिमर के साथ बनाती हूँ गाइस। ये बहुत ही अच्छा ट्रिमर है, मुझे इसको एक साल हो गया है लिया हुआ है। तो गाइस इसके साथ जो है बहुत अच्छी थ्रेडिंग भी बनती है और अपर लिप्स भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो गाइस अभी बनाना हम स्टार्ट करते हैं, फिर करेंगे हम मेकअप। तो देखिए तो गाइज इसमें जो है वो ये वाली ब्लेड रहती है, बहुत ही नुकीली से जो है इसकी ब्लेड है ये। तो गाइज ये कट भी नहीं लगाती, एक भी कट नहीं लगा होगा गाइज, देख सकते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से इसने साफ कर दिया है मेरा जो अपर लिप्स है। तो अभी बनाऊंगी मैं थ्रेडिंग गाइज, तो देखिए कैसे बनाती हूँ मैं थ्रेडिंग, खुद ही बनाती हूँ गाइज। इससे दर्द भी नहीं होता है, थ्रेड से कैसा दर्द होता है, हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुझे बहुत पेन होता था। तो गाइज मैंने जो है ये वाला ट्राई किया, तो आप भी ये ट्राई कीजिए, बहुत आसान तरीका है इसको थ्रेडिंग से अच्छा है थ्रेडिंग बनाने के लिए जो ट्रिमर से। तो गाइज अभी हम बनाते हैं थ्रेडिंग। ये जो छोटी वाली है ये वाला लेंगे हम थ्रेडिंग बनाने के लिए, और बड़ा वाला जो है अपर लिप्स के लिए लिया मैंने। तो गाइस देख सकते हैं इधर उधर से कट हो गए हेयर जो है, ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है गाइस ये, इससे पेन भी नहीं होता है। मैं बहुत डरती थी गाइस जब मैं ब्यूटी पार्लर में जाती थी, एक थ्रेडिंग बनाना तो मेरा मतलब ऐसा हो जाता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो गाइस दूसरा तो बनाना मैं बोलती बस हो गया गाइस, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके साथ जो है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है गाइस। देख सकते हैं मेरी थ्रेडिंग जो बन के तैयार हो गई है। अभी मैं नीचे नीचे के वाली सबसे पहले बनाती हूँ गाइस ये वाली, तो अभी बनाऊंगी मैं ऊपर वाली।
तो गाइज अभी जो है मेरी थ्रेडिंग बन के तैयार हो गई है, देख सकते हैं। अब पलिप्स भी बन गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो गाइज देख सकते हैं बिना फाउंडेशन का कैसा है चेहरा। तो गाइज मैंने फाउंडेशन लगाने के लिए जो है ये वाला इस्तेमाल करती हूँ मैं। ये वाला ले सकते हैं आप, या फिर जो है वो फिंगर से भी लगा सकते हैं। तो गाइज ये देख सकते हैं मैंने एक बाउल में जो है वो पानी लिया हुआ है, तो मैं इसको जो है भिगा के ले लूँगी गाइज। उतनी देर भिगाने के लिए रख दूँगी तो बहुत अच्छे से भीग जाएगा गाइज। ये देख सकते हैं भीगने के लिए डाल दिया मैंने, तो उतनी देर है जो इतनी देर हम क्या करेंगे गाइज। फाउंडेशन लगाने के पहले जब भी मतलब आप फाउंडेशन या फिर मेकअप करते हो गाइज, तो जो नरम क्रीम रहती है हमारी, सॉफ्ट क्रीम रहती है, वो लगाना ना भूले, ज़रूर से ज़रूर लगाइए गाइज। तो मैं जो हूँ ये वाली क्रीम भी लगाती हूँ, जॉनसन बेबी की क्रीम है ये, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर घर में आपके पास जॉनसन बेबी की क्रीम नहीं भी है तो गाइज आप जो है वो, मैं कभी कभी बॉडी लोशन भी लगा लेती हूँ, हिमालय का बॉडी लोशन है ये गाइज, तो इसको भी लगा लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है ये भी। तो गाइज मैं अभी जो है जॉनसन बेबी की क्रीम नहीं इस्तेमाल करूँगी, मैं करूँगी ये वाला। आप कोई भी बॉडी लोशन ले लीजिए जो आपके घर में है। तो गाइज मैं ले लूँगी बॉडी लोशन, तो ये देख सकते हैं मैंने इतना सा ही लिया। बहुत सिंपल सा है गाइज ये वाला मेरा तरीका जो है, मैंने किसी का सर्च करके नहीं मतलब आपको बता रही हूँ, मैं जो खुद का मेकअप करती हूँ गाइज वही बता रही हूँ। तो ये देखिए इतना सा ही लिया मैंने। तो अभी इसको मैं फिंगर की सहायता से लगा लूँगी, ऐसे से लगा लूँगी गाइज। आपका फाउंडेशन इतना अच्छा रहेगा, पूरा दिन भर आपका फाउंडेशन काला भी नहीं पड़ेगा गाइज। ये तरीका आप ज़रूर अपनाए, ट्राई कीजिए। तो गाइस देखिए मैं अभी जो है इसको अच्छे से लगा लूँगी, सेट कर लूँगी। कहीं आप शादियों में भी जा रहे हैं गाइस, तो इस तरीके को आप अपना सकते हो। तो गाइस देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट है। मैंने कोई मतलब ये नहीं किया है, फेशियल नहीं किया है गाइस, लेकिन देखिए फेशियल वाला ग्लो आ रहा है। ऐसे फेशियल करवाते हम, तो गाइस खुद से मैं तो कभी भी नहीं जाती हूँ गाइस ब्यूटी पार्लर में, कभी भी नहीं गई हूँ मैं, खुद का मेकअप खुद से ही करती हूँ गाइस। तो देखिए ये वाला जो है कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है, और स्मेल भी बहुत अच्छी है गाइस। मैं ऐसा नहीं कि क्रीम ही लगानी और बॉडी लोशन नहीं लगाती हूँ चेहरे में गाइस, मैं यही लगाती हूँ, गाँव में ऐसा ही होता है। ये देखिए गाइस, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मिल गई है, ये देख सकते हैं। अभी थ्रेडिंग के ऊपर भी लगा दिया मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा, अभी सेट हो गई गाइज ये जो है। अभी लेंगे हम फाउंडेशन गाइज, तो देखिए फाउंडेशन मैं कैसे लगाती हूँ। ये वाला फाउंडेशन ले लूँगी मैं बीबी का, आपके पास जो भी फाउंडेशन है, लैक्मे का फाउंडेशन है, कोई भी फाउंडेशन है गाइज। तो गाइज इसको लगाने का सही तरीका जो है मैं बताऊँगी। तो ब्रश भी लिए हुए हैं मैंने, लेकिन एक ही बार इस्तेमाल किया हुआ है मैंने इन ब्रशों को गाइज जो है, नहीं लगाया मैंने इन ब्रशों को। तो मैं किसके साथ लगाती हूँ, मैं इस बॉल के साथ लगाती हूँ गाइज। तो अभी जो है मैंने थोड़ी देर इसको भीगने के लिए डाल दिया, तो अभी मैं इसका पानी निचोड़ दूँगी गाइज, देख सकते हैं ऐसे। ये सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसका पूरा पानी निकाल दूँगी, ये देख सकते हैं। इसके साथ बहुत अच्छा फाउंडेशन लगता है गाइज, या फिर आप हाथ से भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं देखना ये फाउंडेशन है, तो ये ले लूँगी, बस इतना सा फाउंडेशन है गाइस देखना। और ऐसे देखना अभी गाइस, इसके साथ लगाऊंगी मैं, ये ले लिया फाउंडेशन, और ऐसे 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 इसको लगा लेंगे। ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए गाइस आप, ये तरीका जो है बहुत आसान है। तो गाइज अभी हम लगा लेते हैं इसके साथ फाउंडेशन, अगर आप मुंह में लगा रहे हैं और नेक में नहीं लगा रहे हैं गाइज, तो ये फिर अलग जैसा ही दिखता है, इसलिए हम गले में भी लगा लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं इसको गीला किया हुआ था और इसमें ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगा है गाइस, देख सकते हैं। तो सारा जो है मेरे चेहरे में लग गया है,
बहुत आसान है गाइज, आप घर में बैठ के कर सकते हैं, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं कभी भी करती हूँ मेकअप तो अपना गाइज ऐसे घर में ही करती हूँ। वैसे हॉर्न के ऊपर भी लगा लेना है। तो गाइज देख सकते हो फाउंडेशन कितनी अच्छी तरह सेट हो गया। अभी हम आईब्रो पेंसिल लगाएंगे गाइज, थोड़ी थोड़ी, ऐसे ज़रूरत नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा लगा देंगे, शेप लगा लेंगे, क्योंकि मेरी ऑलरेडी जो है ब्लैक है, जिसकी नहीं है वो आप पेंसिल लगा के ऐसे तैयार कर सकते हैं गाइज। तो देख सकते हैं ऐसे गाइज, ऐसे लगा सकते हो आप गाइज। ये वाला मेकअप घर में बैठ के बहुत सस्ता मेकअप पड़ने वाला है, बहुत सस्ता मेकअप है ये गाइस, ये देख सकते हैं मेरी जो है वो थ्रेडिंग बनके भी तैयार हो गई। ये देख सकते गाइस मेरी थ्रेडिंग का हो गया। तो अभी जो है कितना अच्छा लग रहा है फाउंडेशन लगा के गोरा गोरा। तो गाइस अभी मैं लगा लेती हूँ सिंदूर, आप शादियों में जाने के लिए भी ऐसे लगा सकती हैं। मुझे ज़्यादा सिंदूर लगाना बहुत पसंद है गाइस। तो देख सकते हैं मेरा सिंदूर लग चुका है। और अभी क्या रहा लिपस्टिक गाइस, तो लिपस्टिक भी बताऊंगी गाइस। मैं जो हूँ वो कभी भी एक लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। आप आपके पास 10 रुपए की लिपस्टिक हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, महंगी लिपस्टिक हो चाहे 10 रुपए की लिपस्टिक। तो गाइस मैं ये दोनों जो है दोनों लिपस्टिक लगाऊंगी, एक ही कंपनी की है गाइस, ये वाली जो है इनसाइड की है। तो देखना गाइस मैं कैसे लगाऊंगी और कैसा शेड आएगा इसका, बहुत अच्छा आता है गाइस इसका लुक जो है। तो देख सकते हैं गाइज आपको कैसा लगा इसका कलर लिपस्टिक का, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और लिपस्टिक का लगाने का सही तरीका भी ऐसे है गाइज, देखिए देख सकते हैं लग गई। गाइज ये सब मेकअप करने का एकदम सिंपल सा तरीका आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो गाइज देखिए अभी मैं लगाऊंगी उसको, ये वाली लिक्विड थी और ये दूसरी वाली है। तो गाइज देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना गाइज ये वाला कलर। तो मैं ये वाला ड्रेस पहना हुआ है तो मैं इसका लगाऊंगी गाइज ये वाला। अच्छा आप अपने फिंगर से भी लगा सकते हैं गाइज, एकदम लाइटी लाइटी लगाएंगे। तो देख सकते हैं गाइज कितना अच्छा लग रहा है। अपने फिंगर से गाइज ऐसे मैंने एक ही लगाया गाइस, ये देख सकते हैं। और अभी गाइस रहा मेरा बिंदी, ये हम कैसी लग रही है गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी हम पहनने वाले हैं ज्वेलरी, ये वाली ज्वेलरी है गाइस, ये देख सकते हैं ये वाली ज्वेलरी जो है अभी हम पहनने वाले हैं इसको। तो पहन के बताते हैं गाइस। तो गाइस मैंने एक पहन दिया है देख सकते हैं, अभी ये दूसरी है। तो अभी हम पहनने अभी हम लगाएंगे टिक। तो गाइस इसमें जो है ये कुंडी भी दिया हुआ है हेयर में, लेकिन सही तरीका बताऊंगी मैं आपको कैसे लगाना चाहिए। तो गाइस देख सकते हैं
सही तरीका ये है गाइस, ये देख सकते हैं मैंने हेयर पिन लिया हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा करके ऐसे लगा देना है, ये देख सकते हैं कैसी लग रही हूँ गाइस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी हम लगा देते हैं दुपट्टा, तो गाइस देख सकते हैं कितना सिंपल है ये वाला तरीका जो है मेरा मेकअप करने का। और गाइस ये मेकअप पूरा दिन भर ऐसा ही रहेगा, और ये मेकअप जो है वो काला नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से फाउंडेशन भी लग चुका है, और आईज़ का भी देख सकते हैं थोड़ी सी शाइनिंग है, क्योंकि आप जो है नज़दीक के फंक्शन में जा सकते हो। तो गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा ये जो बहुत ही आसान तरीका है गाइस ये। तो जो भी मेरे चैनल में आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले, और ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे। तो गाइस मिलती हूँ अगले न्यू ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, बाय बाय।